टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने चुनी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11। युवराज सिंह की टीम में रोहित, यशस्वी, विराट, सूर्यकुमार, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के नाम। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली को अहमदाबाद में जान से मारने की धमकी मिली। अहमदाबाद पुलिस ने कोहली की देखरेख में सिक्योरिटी मजबूत कर दी है। विराट को मिली धमकी के बाद आरसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। टी20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने अंपायरों की लिस्ट जारी की। भारत पाकिस्तान मैच में रिचर्ड इलिंगवर्थ और रनानी टकर ऑन फील्ड अंपायर होंगे, जबकि डेविड बून मैच रेफरी होंगे, तो वहीं क्रिस गेफनी टीवी अंपायर होंगे। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने दावा किया है कि गौतम गंभीर बन सकते हैं टीम इंडिया के नए कोच। अकरम के मुताबिक गौतम गंभीर सीधा और साफ मैसेज देते हैं, हेड कोच की रेस में गंभीर का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन ने केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की। वॉटसन ने बताया कि आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी की है, एक कप्तान के तौर पर अय्यर ने जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए। पॉन्टिंग ने बताया कि आईपीएल में विराट की फॉर्म शानदार है, टी20 वर्ल्ड कप में विराट अगर ओपनिंग करते हैं तो टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार बन सकती है। केकेआर के विस्फोटक खिलाड़ी रिंकू सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया। रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा कि मैं वर्ल्ड कप में जा रहा हूं, हम देश के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, मेरा सपना ट्रॉफी को हाथ से पकड़ना। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया ने रवि शास्त्री को कल्चरल एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल में एक मल्टी कल्चरल प्रोग्राम लॉन्च किया। टी20 वर्ल्ड कप से पहले मेजबान अमेरिका ने बांग्लादेश को हराकर इतिहास रचा। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला गया। अमेरिका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सभी को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले तेज गेंदबाज हसन अली को टीम से रिलीज कर दिया है। पीसीबी ने कहा है कि हारिस राउफ ने मैच फिटनेस हासिल कर ली है, इसलिए हसन को रिलीज किया जा रहा है।